वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। सो अज आप जा रहे हैं ब्रो कितने धर्मशाला बलिंग त्रियुंड मैकलो लगभग सेट है। बाकी अपना भाई ये हुशियारपुर तो स्पेशल चल के आया रात नू ते बाकी हुसन तालीवाल अपने नाल है ते पंकज ते गैवी ते दिनेश ये इन्हां दी बदौलत असीं इत्थे घूम रहे हां ते बाकी मामी जी आ रहे ने विच ते बाकी हुण तैयारियां हो चुकी हैं लगभग ते मैं बैठूंगा अजय नाल। चलो हुण लगे हां बैठन। लो जी हुण लगे हां निकलन। सो मिलदे हां फिर अगे थोड़ा जिहा तुहानूं होर व्यू दिखावांगे। अजय बाइक चला रहा हुशियारपुर तो अपने पिछे आ रहा हुसन धालीवाल तो बाकी अपने दो साथी अगे लंघ चुके हैं तो जिन्होंने जिन्होंने अपनी वीडियो में लाइक तो चैनल सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लो तो मिलते हैं तुहानूं तुहाडे नाल असी न्यू लोकेशन च। तो जी हवा हुवा भर चुकी है बाइक हवा भी जरूरी है क्योंकि लंबा सफर है। सो पेट्रोल ही पवा लिया तो बाकी हम मिलते हैं अगे जो भी होर भी कोई कोई दृश्य आया कोई दिखाने वाला तो तुम दिखावे तो हम मैं लगे बैठना अपने साथी ना अपने अगे बाकी अपने साथी दसेंगे इस मंदिर बारे कुछ। ये बनखंडी में स्थित बगलामुखी माता जी का मंदिर है जहाँ पे हर रोज हवन होता है। हाँ जी। तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है। ठीक है। बहुत आगे आपको वहाँ धर्मशाला जाके आते टाइम आपको बताएंगे। ठीक। सो ये देख सकते हो मंदिर कितना प्यारा है। बाकी मिलेंगे आके इसका अलग व्लॉग होगा। बाकी इसके बाद हम जा रहे हैं धर्मशाला कांगड़ा फोर्ट और बाकी और भी प्लेस हैं वहाँ पे हम जाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है। वो किधर के प्रधान अपने आगे आगे आप कलर देख सकते हो कितना प्यारा है येलो ग्रीन और बहुत ही ज़्यादा प्यारा मंदिर है प्राचीन शिव मंदिर। इसमें शिव मंदिर भी है। सो मिलते हैं यहाँ पे आके। हाँ जी सारा कुछ यहाँ पे पीले कलर का है। लो जी हुण 5 मिनट का ब्रेक है कुलचे लगे खान शिवा फास्ट फूड बर्गर टिक्की चाउमीन टिक्की चाट बाकी और भी लटरम पटरम। सो अब हम यहाँ पे कुछ खाने लगे हैं और इसके बाद चलेंगे हम आगे। तो भूख लगी है सुबह चाय के साथ और अभी भूख लगी है। सो अब हम खाने जा रहे हैं कुलचा जो कि पंजाबी लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं।
लो जी कुलचे हो गए तैयार। क्या नाम है भाई आपका? अजय। अजय, तो इनके कुलचे काफ़ी ज़्यादा टिक्की वाले कुलचे पॉपुलर हैं। सो जो भी धर्मशाला जाता है तो यहाँ पे रुक के जरूर जाना, ये लोकेशन देख सकते हो आप। ये देखो नेचुरल इमली। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। सही गल है। लो जी अपना कुलचा आ चुके हैं, बाकी देखो जी कितना घेंट लग रहा, घेंट गल बात है, बाकी मजा जाना पूरा। तो सवेरे चाह पीती सी, चाह नाल आप रस खाते सी, थोड़ी हूँ भुख लगी सी, हूँ लगे असं, हूँ लगे असं धर्मशाला जाने, इस बाकी देखते खा कि कितना लग रहा। बढ़िया सवाल है, चलो अपना बन रहा बिना व्यास। शिवा फास्ट फूड। सो यहाँ पे जरूर पहुँचना। दो भाई हैं सेम शक्ल के, ये छोटा भाई ये बड़ा बड़ा। सो यहाँ पे जरूर पहुँचना। ये कौन सा रोड है? ये धर्मशाला रोड है, इतने पास में रानीताल मंदिर के पास है ये जगह। सो यहाँ पे जरूर विजिट करना, ये लोकेशन देख सकते हो, ये भी इनका है। बाकी उसके बाद मैगी वगैरह, सो ये जरूर खाना, कुलचा जाएंगे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लो जी पेट पूजा हो चुकी है, तो हूँ आप चलते हैं कितने पाते धर्मशाला साइड, तो बाकी सब रेडी ने, तो हूँ सर हो गया पेट भर गया, तो बाकी कुलचा किमें लग्या एंड गलबात सी। तो बाकी इतने जरूर पहुँचे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पल सी साढ़े लिए ये। तो बाकी मिलते हैं हूँ। लो जी स्टार्ट हो चुकी है, ये देख सकते हो आप, चलो चलो चलो, ये देख सकते हो आप कितनी खूबसूरत है। ये बिल्कुल ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ठंडा है ये, क्या बात क्या बात। ऊपर देख सकते हो बिल्कुल ये नेचुरल तैयार किया, पानी ऊपर से आ रहा है। सो ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत मोमेंट था। हाँ पूरी घेंट गलबात सी, पूरी घेंट गलबात सी गुफा की, बहुत ही नज़ारा आया लंघ के। बाकी तुम अगर होर भी दिखावे फिर इदा के दृश्य जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत। लो जी ये देख सकते हो कितना घेंट व्यू आ, देखो हरियाली ही हरियाली, ऊपर सड़क जा रही है, देखो रास्ते बने हुए हैं। यस क्या बात है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, देखो लोग फिर रहे। ये मेरा हिंदी और पंजाबी ब्लॉग मिक्स है। सो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऊपर देखो पाइपलाइन है, ये पानी की फैसिलिटी फुल है यहाँ पे, और यहाँ पे बिजली भी 24 घंटे और नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे हिमाचल में अफवाह फैलाई जा रही है कि यहाँ पे बादल फट गया, ये वो फटे तो हैं पर यहाँ पे इलाका बिल्कुल ही साफ है।
बाकी जहाँ पे मंदिर फटा था वो भी आपको जगह दिखाएंगे, धर्मशाला जो कि पहली बार वहाँ पे फटा था, उसके बाद और कई जगह पे फटे। सो आप देख सकते हो सामने कांगड़ा जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ का भी ब्लॉग बनेगा। पहले हम जा रहे हैं धर्मशाला और उसके बाद यहाँ पे आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगा। सो इसलिए आप पहले ऊपर जा रहे हैं धर्मशाला साइड, उसके बाद रास्ता आप उड़ चुके हैं, एक फोर्ट जाता ये रास्ता जाता है फोर्ट को। ये देखो नीचे का सीन, देखो कितना ज़्यादा जबरदस्त है। हाँ यहाँ पे राफ्टिंग वगैरह होती है। अभी हम पहुंच चुके हैं कांगड़ा, कांगड़ा का मंदिर आने वाला है। कांगड़ा का मंदिर भी हम आज हम आने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो पुल कितना जबरदस्त है, काफी साल पुराना है पुल, देख सकते हो यहाँ व्यू देखो कितना जबरदस्त है, पूरा ठंडा चिल्ड बना। ऑलमोस्ट 1500 रह गया, ये सारा बदल फट जाए ना। अच्छा ये इधर क्या ठीक है, एक एक, एक बदल छोटा ही बदल कितने किलोमीटर जाके होता है, 1000 किलोमीटर कुछ ना। हाँ ये तो है, क्या बात है। बारिश आ रही थी, इतों की देखो होटल होटल वगैरह काफी ज्यादा खाने पीने का फुल अरेंजमेंट है, किदा भी तुम खा सकते हो। तो हूँ अगर आ गया बोर्ड लिखा हुआ धर्मशाला 18 मंडी सलत बेजनाथ पालमपुर छत्ती चामुंडा। तो सो 18 किलोमीटर तक हो रह गया धर्मशाला, उस तो बाद तुम दिखावे उतों के दृश्य। ये आप लोकेशन देख सकते हो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, पानी देखो कैसे आता हुआ, ये पहाड़ों से आ रहा है पानी पूरा ऊपर से, और ये आप देख सकते हो कितना ही ज़्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल ही फ्रेश मिनरल वाटर। ये है काम, ये पुल देखो लोहे का पुल है, बाकी पानी के पूरा चेक लोकेशन देख। तो अब हम जा रहे हैं धर्मशाला साइड और वहाँ का आपको दिखाएंगे व्यू, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है यहाँ के, देख सकते हैं सारे। इतने बदल फटे असं देख सकते हो कितना ज़्यादा भारी नुकसान होया, काफ़ी ज़्यादा देखो इस जगह से तो आप देख सकते हो जाम भी फटा था बादल,
सो आपने पीछे देखी बहुत जगह जहाँ पे सबसे पहले हिमाचल में बदल फटा था एक मंथ पहले, उसके बाद बदल फटने यहाँ पे स्टार्ट हो गए। आप भी जैसे अमरनाथ लो जी, हम जबरदस्त मोड़ हो चुके हैं स्टार्ट। इंशाल्लाह शायद मीह पै रहा होगा, है ना? मीह नहीं, मौसम ओके होना, मौसम ओके है, ठीक है। लो जी एक मंदिर आया इतने रास्ते में धर्मशाला साइड जाते हुए, तो इतने कहते पानी में मच्छियां उपड़ी देखने मिल मिल जाए ने, सो तुम्हें दिखा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है भी, तो देख सकते हो तुम। पूरा तला मच्छियां भरिया हुआ, काफी ज्यादा मच्छियां ने, पानी भी खुशबू भी देख सुन सकते हो, नहीं समझ सकते अस समझ सकते हैं। हाँ देखो जी, देख सकते हो मच्छियां। जय जय ये सीधी सीधा पानी साफ ही लगता ना वैसे। हां भी यार साफ ही अभी पानी है, गंदा पानी इधर फटदा पानी। हां देखो पानी कितना साफ है, घूमो मां गया। बाकी हम तुम अगे होर भी कोई ऐसा दृश्य दिखावे। धर्मशाला लगभग पहुंच चुके हैं, आपके आगमन धर्मशाला स्वागत कर दिया धर्मशाला। लगभग बिल्कुल नजदीक